और दिल विच तेरे लिए टाइम कढ़ के करता मैं प्रॉमिस मिलन आऊंगा। डे टू, सॉरी डे टू का नहीं, डे वन डे टू का सेकेंड पार्ट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, है ना। इसमें से भी मैंने दो चीज़ें निकाल के रखी हुई क्योंकि उनको इंडिविजुअली ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मेरे को चाहिए कि तुम लोग ये व्लॉग इन्जॉय करो, है ना। लाइक आई सेड इन द लास्ट व्लॉग, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इंट्रो किया नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि विशाल इतना अच्छा कॉन्टेंट शूट करेगा कि मेरे को इतनी सारी चीज़ें इंडिविजुअली ध्यान देने को मिलेगा, है ना। तुम लोग ये व्लॉग देखो, बट ब्लॉग देखने से पहले सारा सब कुछ अपन छोड़ दो, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को पता था आप सारे कैसे से बढ़िया, बहुत सही मजे में, मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, है ना। देख के ज़्यादा इंडिया को क्या चाहिए वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो देखते जा रहा है, काफ़ी टाइम से देख रहा है, अभी तो 2 साल कंटिन्यूस देखा है। उसने बोला भी है कि उसको कुछ कुछ लोगों के फेसेस याद है, समझ में आ रहा है। एक मेंटालिटी है कि आर्टिस्ट रिपीट हो रहा है, उससे क्या हो कि क्या सीखने को मिलेगा, छोड़ दो, हम भी यहीं पर है, मतलब तुम लोग हमसे भी नहीं सीखने वाले, फिर नेशनल फैकल्टी जितने भी है ना, काम छोड़ दो एक बार सिखाने के बाद, नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम सिखाना नहीं, क्योंकि कोई आने नहीं वाला है, समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बारे में अगर अपन ये बात कर रहे हैं, क्या बोलेगा तुम लोग, तुम लोग भी सरोजनी से कपड़ा खरीदते हैं, मैं भी सरोजनी से कपड़ा खरीदते हैं, वैसा वाला बात हो गया, है ना। तेरे से क्या है सीखने? तो अगर बड़ा होने का है तो सीखने के लिए हर जगह मिल जाता है, कहीं पर भी, क्लास के बाहर से भी मैं सीख सकता हूँ अगर इच्छा रहती है तो सीखने का, है ना। वेलकम माई बिग होमी, so let's just get straight into it. Back up. Yes, that helps us who watches you guys understand your style. Oh, I need a shave. That's where my brain just goes because I know how to be funny. Boom, boom, ow, it hurts. Actually, let me shave. You know, I'm shaving. And it's all good. Especially if I do that to someone I'm battling, that's embarrassing. They're like, is he about to shave? Like, we miss those types of material versus the forced ones of like, look at this and look at this and look at this and look at this and look at this. Ouch. And then power again. So now we're mixing our phrases and our invisible props. So we have technical, right? We're dancing. Boom, ow, my shoulder. Ow, boom, 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 boom. Ow, bang. Boom, back to powerful. Boom, boom. That's where all, I'm sure y'all will kill the technical side. तो पावर यूज करना है साथ में, इसके पहले जो अपन ने एलिमेंट सीखे हैं जैसे कि एक इनविजिबल प्रॉप हो गया, बॉक्स है, एक पोल है, तो वो भी यूज करने का है, पर उसके साथ साथ वर्ड्स भी है, लाइक कम हियर, यू ब्रिंग आउट योर पोल, तो ऐसे फ्रेजेस है, उसको यूज करके उसके अराउंड डांस करने का है, ना कि मतलब कुछ भी डांस करने का है। और टेक्निकल
of Trump. And it's so fun. I forgot I had these on. Thank you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. तुम लोग को फील हुआ? नहीं फील हुआ ना बोलोगे तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पर शांत बैठ के सबके फेसेस देख रहा था. मैं हर किसी को देखता हूँ, हर किसी को ऑब्जर्व करता हूँ, फिर घर जाता हूँ, सोचता हूँ कि अगर वो सैड था तो वो क्यों था. मैं तो खुश हूँ क्रम करके, मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है. आज तक आईकेएफ में ट्रांसलेटिंग होता था, थोड़े टाइम के लिए होता था, फिर निकल जाते थे. आज मैंने मेक श्योर किया कि पूरे क्लास में जितना हो सकेगा पॉसिबल उतना ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि समझ के जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए. समझ के जाओगे तभी लेवल बढ़ेगा, है ना. समझ के जाओगे तभी ओरिजिनलिटी बढ़ेगा. समझ के नहीं जाओगे तो खाली अपन किसी और की तरह दिखते रहेंगे हमेशा, पूरा लाइफ. तुम लोग को फील, मैंने तुम लोग से आई के चिल्लाया, मैंने बोला तुम लोग को चिल्लाने को, दिल से निकला ना, है ना. सेशन के बारे में उसने जो आज चीज़ें समझाए, सालों से पता है अपने, ऐसा नहीं आज पता चला है, एकदम नया इन्फॉर्मेशन, सालों से पता है अपने. अपन करते फिर भी अपन का, मेरे को मत इंक्लूड करो. ब्रिंग द बक में जितने भी लोगों ने मेरे को देखा, बिगनर्स के साथ सिर्फ मैं ही खड़ा था. मेरे को देखते लोग आए, मैं ही बिगनर्स को बोल रहा था जा उधर, ये चीज कर, अब क्या कर रहा है भाई. सबको सालों से पता है बट कोई करता नहीं. अभी भी तुमको पता चला है, 5 दिन का गर्म खून है, घर जाके वापस से ठंडा हो जाएगा. क्यों होता है वो ठंडा? आसपास के लोगों को देख के. मेरे साथ जब भी सेशन करोगे, मैं सैड है कि मेरे को फील नहीं होता वो वाइब, तो मैं सेशन करता नहीं हूँ, बट मैं अपने होमीज के साथ सेशन करता हूँ. और मेरे होमीज के साथ जब भी मैं सेशन करता हूँ, उनको पता है मेरा वाइब कैसा रहता है, इसीलिए उनका भी वाइब वैसा रहता है. समझ में आ रहा है? मेरे को ये बोलने का है, तुम्हारे आसपास अगर कोई हाइप नहीं कर रहा है, तुम हाइप करो, अकेले हाइप करो, फुटेज में अकेले पागल लिखो, चलेगा. क्योंकि दैट वॉट क्रम्प इज, क्रम्प वही है, क्रम्प भेड़ चाल वाला नहीं है. लोग हाइप कर रहे हैं इसके लिए, मेरे को भी हाइप करने का है. वो भेड़ चाल हो गया. लोग हाइप इसके लिए करते हैं क्योंकि इंडिविजुअली सबको वो चीज़ फील होता है, इसके लिए हाइप करते हैं. अगर तुम लोग बाजू में बैठ के ऐसा शांत रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमको फील नहीं हो रहा, इसीलिए तुम शांत हो. कभी कभी ऐसा लगता है अपने को कि हाँ मैं थक गया हूँ, मेरा राउंड से बाद में कंपटीशन में ठीक है, बट देन वही आइज ने भी बोला हुआ है, कंपटीशन किल्स क्रम बोला हुआ है, कोई रीज़न के वजह से बोला हुआ है. कंपटीशन में समझ में आता है, अगर तुम टॉप 16 में सिलेक्ट हो गए हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, तुम नहीं कर रहे हो ठीक हो, बट जो ऑडियंस है उनका करना ज़रूरी है. प्री सिलेक्शन, ब्रिंग द बक के प्री सिलेक्शन में मैंने बोला था कि जापान कोई भी एक जाने वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको ही हाइप मिलना चाहिए. ये प्री सिलेक्शन में हर किसी को ऐसा लगना चाहिए कि मैं जापान नहीं जा रहा हूँ, बट फॉक इंडिया में रह के भी मज़ा आ गया. वो वाला वाइब कोई बाहर वाला आके क्रिएट नहीं करेगा. अभी 20 यहाँ पर है, उसने तुम लोग से करवाया, तुम लोग को मज़ा आईकेएफ कर दिया तुमने. यही चीज़ हम लोग करवाते हैं तो तुम लोग ध्यान नहीं देते हो. तभी मैं बोलता हूँ, मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्पेक्ट दो. मैंने कल क्या बोला था, रिस्पेक्ट देने वाली चीज़ नहीं है, वो अंदर से आता है. मेरे बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होएगा, अंदर से फील करना पड़ेगा. नहीं फील होता है ठीक है, आज नहीं हो रहा है, मेरी 15 दिन बाद हो जाएगा, 15 साल बाद हो जाएगा, वेट करो, मेरे को भी बहुत टाइम बाद मालूम पड़ेगा. बचपन से मैं सीख के नहीं आया था, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे को खुद से सीखना पड़ा. बट जब मेरे को पता चला तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं शेयर करूँ ये चीज़ें जितने लोगों के साथ. सब लोग नहीं सीखने वाले इधर से, एक जन भी सीख के जाता है ना तो भी मेरे लिए काफ़ी है. मैं अभी मेरे फ्रेंड से वही बात कर रहा था, मेरा फ्रेंड है यहाँ पर शाम, वो मेरे को ये आईकेएफ में बहुत हेल्प कर रहा है ना. तुम लोग ने ब्लॉग में भी देखा रहेगा, शाम है यहाँ पर. मैंने उसको बोला कि भाई एक बार देख क्या होता है. वो मेरे को यही बोल रहा था, उसको बैठ के यहाँ पर यही फील हो रहा था कि लोग इतने बियर्ड क्यों हो गए. वो 2016 में आया था, जब भी क्रम्प एकदम इनोसेंट था, हम सब सीख रहे थे.
उसने बोला वहाँ तब से लेके अब तक वाइब एकदम चेंज हो गया ब्रो, डार्क हो गया, टॉक्सिक हो गया, लोग सुनते नहीं हैं। मैंने बोला कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, आज कुछ लोग नहीं सुन रहे, कुछ लोग सुन रहे हैं मेरा बात, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। आज जो कुछ लोग सुन रहे हैं 5 साल बाद वो लोग टॉक्सिक होने वाले हैं, फिर नए लोग आएंगे, मैं उनके लिए काम करूँगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा वो मोटिव है, मैं क्रम को लेके ऐसे चलता हूँ, मेरा किसी से भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, राइट? मैं किसी को पर्सनली जानता नहीं, तुम मेरे को नहीं जानते, मैं तुमको नहीं जानता, तो हम दोनों को एक दूसरे के बात का बुरा मानने का सेंस ही नहीं बनता। बट जब मेरे को दिखेगा कि तू क्रम के लिए कुछ कर रहा है और मेरे को डाउट रहेगा तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जवान देखा सबने? नहीं देखा? ओह शिट, जिसने भी नहीं देखा, एक टीम वाले ये उठाओ नीचे लेटो और हम लोग छोड़ रहे। क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी को क्वेश्चन करो, वो तुम्हारा राइट है। तुम क्वेश्चन करोगे तभी तुमको पता चलेगा सामने वाले को कितना पता है, क्या पता है, तभी कॉन्वर्सेशन ओपन होएगा। कॉन्वर्सेशन ओपन होएगा तभी जाके कम्युनिटी का ग्रोथ होएगा। शांत बैठ के एक रूम में शांत रह के किसी का ग्रोथ नहीं होने वाला, साथ में आगे बढ़ने का, है ना? इंडियन क्रम मूवमेंट बोलते हैं ना, मैं तो इंडियन क्रम मूवमेंट बोलता हूँ, मैंने कभी ये नहीं बोला भोपाल क्रम कम्युनिटी, नेपाल क्रम कम्युनिटी, मुंबई क्रम कम्युनिटी। मैं तो हमेशा अपने आप को इंडिया का मानता हूँ, इसके लिए मैं सबके साथ चिल करता हूँ, है ना? आपके साइड में एक सेशंस होना इट इज़ ओके, बट तुम्हारे सेशंस होते हुए भी तुम्हारे सिटी के लोग खुश नहीं है और मेरे से आके बात करते हैं और मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है, तो कम्युनिटी सिर्फ तुमसे नहीं बनता, तुम्हारे आसपास के लोगों से भी बनता है। टेक केयर ऑफ ईच अदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को प्यार से रखो। हर कोई अपने लाइफ में प्रॉब्लम से डील कर रहा है, हम हैप्पी टाइम्स के लिए यहाँ पर आते हैं। प्रेशर ठीक है, कंपटीशन है, अभी एक जॉब बन गया है, डांसिंग भी हेल्प नहीं कर सकते, एवरीथिंग सब चीज़ से हमको अडेप्ट करने का है और इवॉल्व होना है। समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूँ ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन, मजा आया, दिस इज जस्ट डे वन माई लव, अभी भी कम टुमारो, विल हैव मोर फन, ओके? अभी ब्रेक है, 5:30 तक वेन्यू पे आ जाओ, सेटल हो जाओ, ठीक है? सी यू गाइस, बात तो तेरा भाई बहुत अच्छा कर, 5:30 100% विद द फैक्ट्स विद द ट्रुथ्स, यू नो। विक्रम सरकार हाइप करने के लिए, ओए हाइप करने के लिए तुम लोग को उसके छाती के पास आने का जरूरत नहीं है, है ना? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, पर पीछे जो देख रहे हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। इधर ऑलरेडी 5 लोग नाच रहे, वो लोग इनफ है खड़े होकर हाइप करने के लिए। तुम लोग अपना एनर्जी वहां से भी दे सकते हो जिससे सबको दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, है कि नहीं? मानता है कि नहीं? मानता है ना? ठीक है, अभी रेडी फॉर द फर्स्ट एवर कॉल आउट एट OHAF। Oh!
मैं सबको सपोर्ट करता हूँ. ओके, देन वी हैव द इंडियन क्रम कम्युनिटी राइट हियर. इसको भी प्लीज लेट्स हैव अ दैट्स इंडियन क्रम कम्युनिटी. अपने साइड में जर्मनी भी है. कॉलआउट्स मैंने जान के काट दिया क्योंकि मेरे को चाहिए कि वो IKF के YouTube पे जाए, है ना. उसका भी एक्सपीरियंस अलग से तुमको करना चाहिए, ऐसा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए. इसके लिए वीडियोस जल्दी ड्रॉप हो रहे हैं. वीडियोग्राफी टीम मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, बट इट इज़ ओके. कुछ कर नहीं सकते अब, मेरे हाथ में है नहीं इसीलिए, है ना. बट आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतना बात कर पा रहा हूँ, ना कि सिर्फ यूट्यूब पे बट पर्सनली लोगों के ऑन फेस भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ऐसा व्लॉग एडिट करते करते देख रहा था, अपनी खुद की बातें सुन के सोच रहा था कि शिट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं तो अपने आप को लूज़र बुलाता हूँ, है ना. ये सारी चीज़ें किसी और के लिए, जो लोग मतलब बड़े हैं, जो लोग स्टार्स हैं, वो लोग करने चाहिए. लोगों से बात, लोगों को सही जगह गाइड करने का काम उनका होना चाहिए था, ना कि जेनरिक बातें करके बट ऑन पॉइंट बातें करके कि मतलब एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उसको पॉइंट आउट करके फिर बताना एक चीज़ होता है, और एक इन जनरल हाँ हमको साथ में मिलके आगे बढ़ना चाहिए. ये ऐसा जेनरिक बातें हो गई, है ना. हर किसी को टेक टॉक करना है बट एक्चुअल इश्यूज पे किसी को बात नहीं करने है, तो कुछ नहीं हो जाएगा मेरे हिसाब से, जो भी है जैसा भी है. बट आई होप कि तुम लोग को ये ब्लॉग भी अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा है मेक श्योर करो कि IKF के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को फॉलो करो, क्योंकि उससे मेरे को बहुत हेल्प होगा. बहुत नाइस वाइब था. कॉल आउट्स इनसेन था. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सारे वीडियोस के लिए और नेक्स्ट ईयर के IKF के लिए. सब लोग एकदम पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे थे वर्कशॉप को, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और वो देख के मेरे को और ज़्यादा खुशी हो रहा था. है कि नहीं, अभी से सेव अप करना चालू करो, क्योंकि IKF के डेट्स में बहुत जल्दी रिलीज कर रहा हूँ. आज के लिए अपन इतना ही रखते, तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या करना है. तुम लोग करना लाइक शेयर सब्सक्राइब मटर दुआ. अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ. प्रॉमिस. Only truth will survive at the end. सच कड़वा होता है, जो ना माने वो कड़वा होता है.